अब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हम लोग बनाएंगे ठीक है तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस तो इंस्ट्रक्शंस हम कैसे बना सकते हैं देखो तो हमने क्या क्या अब तक देखा हमने अब तक क्या क्या देखा है अब तक पूरी जर्नी में आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या किया अब तक तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास बेसिक कंप्यूटर्स के लिए हमारे पास गेट्स क्या क्या होते हैं राइट गेट्स होने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो डिफरेंट आई कौन कौन सी हैं जैसे मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर ये सभी क्या दीज आर आई और फिर मैं बताया कि इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप रजिस्टर्स को कैसे बना सकते हैं सो ओबली रजिस्टर इज ऑल्सो इन आई सी राइट आई सी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट सो आफ्टर दीज रजिस्टर्स आई शोन यू कि जो हमारा बेसिक कंप्यूटर है उस बेसिक कंप्यूटर को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उस बेसिक कंप्यूटर का जो एडिश एडल लॉजिक यूनिट है या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसको कैसे बनाया जा सकता है उसका जो डेटा बस है यानी कि जो सिस्टम बस है उसको कैसे बनाया जा सकता है और फिर उसके बाद यहाँ पर हम बेसिक कंप्यूटर को अब तक हमारा बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन हो चुका है लेकिन अब इस बेसिक कंप्यूटर के लिए दो चीज़ें देनी ज़रूरी है पहली है इंस्ट्रक्शंस राइट इंस्ट्रक्शन हमें बनानी जरूरी है हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर से अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी इंस्ट्रक्शंस किस तरह की होंगी तो अभी हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को बनाना सीखेंगे राइट अब देखो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था राइट इफ़ यू हैव सीन दिस डायग्राम तो इस डायग्राम में काफ़ी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर द लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी हियर इज दीज थिंग्स राइट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो बटन्स अब इन बटन की हेल्प से क्या होता है कि बटन्स को प्रेस करते हैं और अकॉर्डिंगली यू कैन परफॉर्म द वर्क इवन आपके पास ये कुछ बटन हैं जैसे ए सी इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एक्ूमलेटर एट एस पी पी सी सी वाई ज़ीरो ब्रेक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर तो ये सब बटन्स हैं तो इन बटन से क्या होता है कि वेन एवर यू प्रेस अ बटन सब इंस्ट्रक्शन इज जनरेटेड और उस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है द वर्क ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन इज टू कम्युनिकेट यू नो विद द सिस्टम ठीक है अब इंस्ट्रक्शन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं तो मैंने आपको कुछ बताया था कि आपका जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज गोइंग टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका सिक्सटीन बिट का है तो सिक्सटीन बिट का जो रजिस्टर है तो उसके अंदर ये कंप्लीट आपके सिक्सटीन बिट के इंस्ट्रक्शन है दिस इज़ योर सिक्सटीन बिट इंस्ट्रक्शन अभी सिक्सटीन बिट इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जैसे एड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड ठीक है अब कहने का मतलब है कि ये जो थ्री थाउजेंड है दिस थ्री थाउजेंड इज रिप्रेजेंटिंग एड्रेस ये थ्री थाउजेंड जो है ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है तो आपका एड्रेस कितने बिट का होगा यू विल बी हैविंग अ टोटल ऑफ ट्वेल्व बिट ऑफ एड्रेस आपका जो एड्रेस है वो ट्वेल्व बिट का होगा यानी कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स बची हैं हमारे पास हाउ मेनी बिट्स आर रिमेनिंग टोटल फोर बिट्स आर रिमेनिंग ओके एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दिज फोर बिट्स वी कैन स्पेसिफाई कि हमें क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है ठीक है अब इसका बेसिक आइडिया हम समझते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो मैं बेसिक आइडिया समझाने की कोशिश करता हूँ ओके सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर इंस्ट्रक्शन फाइन इंस्ट्रक्शन है आपके पास एड टू फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन लेटर्स ज्यूम एटिस टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा सो so बाइनरी में दिस 256 इन 12 बिट्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़ीरो 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 वन आई थिंक दिस वन मोर जीरो इज रिक्वायर्ड ज़ीरो वन राइट एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो ये जो है ये आपका ट्वेल्व बिट्स का यहाँ पर एड्रेस है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एड्रेस अब ये जो एडिशन इंस्ट्रक्शन है विद एवरी इंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू हैव अ बाइनरी सीक्वेंस अगर आपने डिवाइस के अंदर एक बटन को प्रेस किया इफ यू आर प्रेसिंग अ बटन तो इसका मतलब है एक बाइनरी सीक्वेंस जनरेट होगा एंड दैट बाइनरी सीक्वेंस विल बी गिवन टू अ डिकोडर फॉर एक्जाम्पल इफ आई से फॉर दिस एडिशन इंस्ट्रक्शन वी हैव द बाइनरी सीक्वेंस जीरो वन जीरो वन वन तो हम लोग क्या करेंगे वी आर गोइंग टू गिव दिस वन दिस ज़ीरो दिस वन एंड दिस वन टू अ डिकोडर इसको हम एक डिकोडर के पास देंगे ओके एंड दिस डिकोडर इज अ फोर क्रॉस सिक्सटीन डिकोडर कौन सा डिकोडर है आपका फोर क्रॉस सिक्सटीन सो वी आर गोइंग टू हैव सिक्सटीन आउटपुट लाइन्स दिस वे वी आर गोइंग टू हैव टोटल ऑफ सिक्सटीन आउटपुट लाइन्स ठीक है सिक्सटीन आउटपुट लाइन्स अब हम क्या करेंगे जितनी भी आपके आउटपुट लाइन्स है वी आर गोइंग टू कम्बाइन ईच ऑफ दीज आउटपुट लाइन्स में विथ समशन ठीक है तो कुछ ही ऑपरेशन के साथ हम इसको कंबाइन करेंगे मे बी आई कैन से इस आउटपुट लाइन को बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ए वैल्यू एज मे बी थर्टीन राइट शायद इट थर्टीन मे बी इट इज रिप्रेजेंटिंग वैल्यू विच इज इलेवन तो इलेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है सो आई कैन टेक दिस आउटपुट लाइन इलेवन एंड आई कैन कंबाइन इट टू वन एडिशन सर्किट मैं इसको एडर के साथ कंबाइन कर सकता हूँ एंड दिस एडर कैन टेक इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन को लेगा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन एज वेल एज इट कैन ऑल्सो टेक द सेकंड वैल्यू फ्रॉम द एक्यूमलेटर इट कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट और जो भी रिजल्ट होगा रिजल्ट एड करने का आई एम गोइंग टू स्टोर द रिजल्ट इन दक्यूमुलेटर सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वेन एवर यू ट्राई टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन एवरी इंस्ट्रक्शन हियर इज कम्बाइंड विद सम बाइनरी सीक्वेंस हम हर एक इंस्ट्रक्शन को एक बाइनरी सीक्वेंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं ओके okay? अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने बिट की है हाउ मेनी बिट्स आर देयर हियर मतलब कितने बिट्स हैं यहाँ पर सो देर आर टोटल ऑफ फोर बिट्स यानी कि अगर मैं इन फोर बिट्स इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करूँगा देट मीन्स वी कैन हैव टोटल ऑफ सिक्सटीन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपके पास सिक्सटीन इंस्ट्रक्शंस होंगी कितनी इंस्ट्रक्शन होंगे यहाँ पर टोटल आपके पास सिक्सटीन इंस्ट्रक्शंस ठीक है बट इज़ इट पॉसिबल कि हम लाओ यहाँ से सिक्सटीन से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन बना सकें क्या हम यहाँ से सिक्सटीन से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल ऐसा पॉसिबल है ठीक है ऐसा पॉसिबल है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिकोडर का जो एक आउटपुट है इस आउटपुट के साथ अगेन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट वन मो डिकोडर इस एक आउटपुट के साथ आप एको डिकोडर को कम्बाइन कर सकते हैं ठीक है करेक्ट और इवन यू कैन टेक वन मोर बिट हियर एंड यू कैन ऑल्सो गिव दिस बिट हियर टू दिस डिकोडर एंड अगेन जो दूसरा डिकोडर है विद दिस डिकोडर ऑल्सो वी कैन गेट सम इंस्ट्रक्शन बेसिकली इस कंप्यूटर के अंदर वी कैन हैव 16 इंस्ट्रक्शंस बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट मोर इंस्ट्रक्शंस तो यहां पर इस कम्प्यूटर के अंदर हम मोस्टली वी आर गोइंग टू क्रिएट ट्वेंटी फाइव इस कंप्यूटर में हम लोग अपने 25 फाइव को बताएंगे मैं आपको बताता हूँ किस कैसे बना सकते हैं हाउ केन वी डू इट वो सभी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाई स्टेट बनाऊँगा ठीक है तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है वी कैन हैव थ्री काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ योर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन द सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज़ योर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड इंस्ट्रक्शन इज़ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन ठीक है मेमोरी रेफरेंस का मतलब है कि उस इंस्ट्रक्शन में से हम एक मेमोरी एड्रेस को रेफर करेंगे अंडरस्टूड जैसे जैसे लेटर सपोज वी हैव इंस्ट्रक्शन एड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन थ्री थाउजेंड ठीक है यानी कि ये जो एड्रेस गिवन है दिस एड्रेस इज योर मेमोरी एड्रेस ये एक मेमोरी का एड्रेस है सो दिस इज योर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन करेक्ट नाउ वी कैन ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन विच इज आई एन सी आर ए सी वेयर आई एन सी आर मीन्स इंक्रीमेंट एंड ए सी मीन्स रजिस्टर मतलब ए सी इज़ अक्यूमलेटर एक्यूबलेटर इज अ रजिस्टर राइट so AC is representing your accumulator and accumulator is a register. Maybe we can increment the value of accumulator, maybe we can increment the value of a program counter or something. तो agar yahan par hum log kisi register ka naam denge so that kind of instruction will be called as a register reference instruction. Memory reference का मतलब है जहाँ पर हम memory address को दे रहे हैं और register reference का मतलब है जहाँ पर हम register को address दे रहे हैं, okay? फोर्थ वन थर्ड वन इज़ योर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन तो आपका जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है दैट इज ओनली ऑफ एट बिट्स ठीक है वो सिर्फ एट बिट्स का ही है ठीक तो है तो एनी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वी कैन हैव मेमरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वी कैन हैव रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वी कैन हैव इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन ठीक है अब हम लोग क्या करने वाले हैं जो हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन है अब हम लोग उसमें कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपकी जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है दिस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन ठीक है तो इस इंस्ट्रक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया वन पार्ट विल बी कंटेनिंग द एड्रेस एंड सेकेंड पार्ट विल बी कंटेनिंग योर ऑपरेशन कोड राइट और जो ऑपरेशन कोड है वो आपका फोर बिट का है और जो एड्रेस है वो आपका ट्वेल्व बिट का है ठीक है अब हमने क्या बोला कि ये जो आपकी फोर बिट है ऑपरेशन कोड के अंदर सो दीज आर दीज फोर बिट ये आपकी चार फोर बिट है दीज आर दिज फोर बिट्स इन सभी फोर बिट के अंदर इन सभी फोर बिट के अंदर हम बोलते हैं कि इफ़ इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन अगर वो एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है दैट मीन्स हम यहाँ पर इस बिट को वन सेट करेंगे अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो वन है दैट मीन्स इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन या आपकी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है इफ़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ वन दैट मीन्स इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन अंडरस्टूड अगर हम ऐसा कुछ करें इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस कि इन सभी चार बिट में से इफ यू आर गोइंग टू सेट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज जीरो अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज़ीरो है दैट मीन्स इट इज रिप्रजेंटिंग योर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन या आपकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है ठीक है क्लियर और अगर आपकी ये चारों के चारों बिट वन है इफ ऑल ऑफ दीज फोर बिट्स आर वन दैट मीन्स आर टॉकिंग अबाउट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं तो यहाँ पर जो रजिस्टर ऑपरेशन है मतलब रजिस्टर्स आपके पास पूरे कंप्यूटर में पूरे सिस्टम में आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स बहुत कम है देर आर वेरी फ्यू रजिस्टर्स इन दिस एंटायर सिस्टम राइट तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास रजिस्टर कौन कौन से हैं वी हैव एक्यूमलेटर We have address register, we have data register, we have program counter, we have a temporary register, we have E, which is basically a kind of a register that is going to store temporary values from the CPU, or you can say flag address register, data register, program counter, temporary register, or input register, and your output register, right. तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं हमारे पास वी आर हैविंग टोटल ऑफ़ सेवन रजिस्टर्स आपके पास टोटल सेवन रजिस्टर्स हैं अब सेवन रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थ्री बिट्स की ज़रूरत है सिर्फ वी ओनली नीड थ्री बिट्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑल्सो करेक्ट तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी है राइट right? तो यहाँ पर जो इनपुट रजिस्टर आउटपुट रजिस्टर अगेन हम लोग जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है उसमें से हम इनपुट रजिस्टर को जो वाले हो वो डायरेक्टली सी से कम्युनिकेट करते हैं सो आई कैन टेक ओनली आउटपुट रजिस्टर हियर तो जस्ट यू कैन सी कि हमारे पास टोटल सेवन रजिस्टर्स हैं अगर आपके पास सेवन रजिस्टर है यू ओनली हैव सेवन रजिस्टर्स तो हर एक रजिस्टर का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की ज़रूरत है दैट इज लॉग सेवन बेस टू सीनिंग वैल्यू दैट मीन्स नीड थ्री बिट ऑफ एड्रेस आपका रजिस्टर का जो एड्रेस है वो तीन बिट का होगा ठीक है तो यानी कि जो आपकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में अगर हम इस एड्रेस वाले पार्ट के अंदर आते हैं दिस एड्रेस वाला पार्ट राइट right? एड्रेस वाला पार्ट कितने बिट का आपके पास 12 बिट्स का हम इस 12 बिट्स में से सिर्फ थ्री बिट्स का ही यूज़ करेंगे वी आर ओनली गोइंग टू यूज थ्री बिट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज एड्रेस बिट्स इन सभी एड्रेस बिट्स में से हम सिर्फ तीन बिट का ही यूज़ करेंगे सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बिट्स फ्री हो सकती है एंड आई कैन कम्बाइन दीज एक्स्ट्रा बिट्स सो दैट हम इन में से कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को कम्बाइन कर सकते हैं ताकि हम लोग कुछ कर सके राइट right? सो बेसिकली आई वॉज टेलिंग यू की जो आपका रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है सो आपका जो रजिस्टर्स हैं यू ओनली हैव सेवन रजिस्टर्स सो बिकॉज यू ओनली हैव सेवन रजिस्टर्स दट इज़ वाई यू ओनली नीड थ्री बिट्स टू रिप्रेजेंट अ रजिस्टर्ड एड्रेस आपको सिर्फ रजिस्टर्ड एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर तीन बिट्स की ही जरूरत है यू डो नॉट नीड मोर देन थ्री बिट्स टू रिप्रेजेंट अ रजिस्टर एड्रेस राइट सो देट मीनस इफ़ यू हैव अ रजिस्टर्ड रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इन दैट केस आई कैन यूज सम एक्स्ट्रा बिट्स फ्राम दिस एड्रेस पार्ट टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर आपके रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो हम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम उस समय अगर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो एड्रेस पार्ट्स में से हम कुछ बिट्स को ले सकते हैं